बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेव एट योर होम्स। डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर सोशल स्टडीज पीरियड एंड आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड लेसन नंबर 1, मैप्स। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड रिलीफ मैप्स। We also discussed about longitude and latitude, the equators, prime meridian and international dateline. Today we are going to start how to study a map. Now open your books, page number 4, keep pencil in your hands and underline the new words. Look at your book, how to study a map. कि हम मैप को स्टडी कैसे कर सकते हैं, ठीक है? मेन पॉइंट्स क्या हैं? द फर्स्ट पॉइंट वी हैव डायरेक्शंस। आपने डायरेक्शंस का नाम तो सुना होगा, ठीक है, क्लास 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी। वी हैव 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। व्हेन वी लुक एट अ मैप वी यूज द कार्डिनल डायरेक्शंस, north, south, east and west. So we can say that the north, south, east and west are the cardinal directions. These 4 directions are called cardinal directions: north, south, east and west. Okay students, we also use the intercardinal directions. अब कार्डिनल डायरेक्शंस का नाम तो आपने सुना हुआ था, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ आपको एक नई बात बताई जा रही है, वो क्या है? इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस आर northwest, northeast, southeast and southwest. These 4 directions are called intercardinal directions. ठीक है, we have 4 cardinal directions: north, south, east and west. These are cardinal directions: north east, north west, south east and south west are called intercardinal directions. Okay, when we find any place or any area on a map, we use cardinal directions or intercardinal directions. ठीक है, जब हमने कोई भी एरिया या कोई भी प्लेस मैप पर फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस और कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव ग्रिड्स। इन प्रीवियस लेक्चर्स आई टोल्ड यू अबाउट द ग्रिड्स। ग्रिड्स आर इमेजिनरी लाइंस दैट आर ड्रॉन ऑन द मैप इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, ठीक है। All the lines of longitude and latitude form a grid as shown on the map. They are imaginary lines, so you cannot actually see them on the earth's surface. कह रहे हैं कि जो longitude और latitude form में grid पर जो lines होती हैं, जो map पर show की जाती हैं, actually these are imaginary lines. ठीक है, वो imaginary lines होती हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ imagine करते हैं तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको आप एक्चुअली जो है अर्थ पर फाइंड नहीं कर सकते, अर्थ पर आप नहीं देख सकते, ठीक है। टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस। हमने कोई भी चीज़ जब फाइंड करनी होती है, कोई एरिया फाइंड करना है या कोई कंट्री फाइंड करना है, कोई सिटी फाइंड करना है मैप पे, या कोई भी स्ट्रीट फाइंड करनी है, कुछ भी आपने फाइंड करना है, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? इट्स ग्रिड रेफरेंस। Here we have a picture of grid. मैंने आपको बताया था
ग्रिड में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो लाइंस होती हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली फॉर्म में, जो क्या बनाती हैं, ग्रिड बनाती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कीज। कीज का मतलब है कि कुछ हिंट्स, ठीक है, आपके पास कुछ हिंट्स होते हैं या कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिनसे आप मैप पर उस चीज़ को आसानी से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यूजुअली ईच मैप आल्सो हैज़ अ की, इट टेल्स अस व्हाट द सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन द मैप मींस। कि एक्चुअली जो की होती है वो हमें ये बताते हैं कि कौन सा कलर्स और कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं मैप पर, जिनके ज़रिए आप उन चीज़ों को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वी ऑल्सो नीड अ स्केल, हमें स्केल की ज़रूरत भी होती है जिससे हमें ये शो होता है कि एक एरिया कितना बिग है या एक कंट्री है वो कितने एरिए पर उसकी लोकेशन है, ठीक है, या कितने एरिए पर वो लोकेटेड है, ठीक है। हेयर यू कैन सी अ मैप, यहाँ पर आपको एक मैप दिखाया गया है और यहाँ पर आपको कीज़ दिखाई गई हैं। देखें, ये आपको कीज़ दिखाई गई हैं जो कि आपको बता रही हैं कि यहाँ पर ट्रीज़ हैं, बेंच हैं, स्लाइड्स हैं, सी सॉ है, सैंड बॉक्स, स्विंग्स, फ्लावर गार्डन, डक पॉन्ड एंड पाथ। इफ़ यू वांट टू फाइंड अ सी सॉ ऑन अ मैप, यू कैन इजीली फाइंड सी सॉ ऑन द मैप बाय यूजिंग अ की। सो वी कैन फाइंड इजीली, हेयर इज़ अ सी सॉ, ठीक है। सेम लाइक You can find bench. Here is a bench. Different places. ठीक है? So you can easily find things on a map by using a key. A map also show a kilometer or centimeter area. ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 centimeter ऑन अ मैप मे रिप्रेजेंट 1 kilometer ऑन द अर्थ, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है और मैप छोटा सा होता है, ठीक है, पेज पे बना हुआ होता है, वो इतना बड़ा तो नहीं होता कि वो फुल आपको एरिया कवर करके बताए। तो उसमें क्या होता है कि जो मैप के ऊपर 1 centimeter होता है वो अर्थ पे 1 kilometer को अकॉर्डिंग उसको किया जाता है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 100 kilometers जो हैं मे बी 1 centimeter रिप्रेजेंट 100 kilometers, ठीक है। मैप्स आल्सो हैव अ कंपस रोज और एन एरो मार्क्ड विद एन एट द टॉप। कंपस रोज जो है वो शो करवाती है हमें जनरल डायरेक्शंस लाइक नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, बट एरो टेल्स अस वेयर नॉर्थ इज। एन है, आपको पता है ना डायरेक्शन, जो हमारे पास नॉर्थ है उसका फर्स्ट वर्ड क्या है, एन, एन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या है, एरो हमें शो करवाता है कि यहाँ नॉर्थ है और उसके ऑपोजिट साइड पर क्या है, साउथ है, ठीक है। वहाँ से आप इजीली डायरेक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। यूजिंग एन अटलस, व्हाट इज़ अ अटलस, अंडरलाइन इट, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन अटलस, ठीक है। कि जो हमारे पास बुक है डिफरेंट मैप्स की, जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का, किसी भी एरिया का, किसी भी सिटी का, किसी भी टाउन का मैप जो है वो आप देख सकते हैं, वो क्या है, अटलस, ठीक है। एवरी अटलस हैज़ एन इंडेक्स एट द बैक। इंडेक्स का क्या मतलब होता है, जैसे आपको पता है इंडेक्स, आप किसी भी बुक को देखें, बुक का लास्ट पेज होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको मेन जो हैं वो वर्ड्स दिए गए होते हैं, उसके मीनिंग्स बताए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो मैप है, अब मैप पे तो वर्ड्स मीनिंग नहीं होते, मैप पे क्या होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम, सिटीज़ के नेम, माउंटेन्स के, रिवर्स के, वोल्केनोज के, डिफरेंट जो हैं वो क्या होते हैं, नेम्स होते हैं, ठीक है। इंडेक्स में क्या होता है, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ए बी सी डी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन नेम्स को प्रॉपर तरतीब के साथ लिखा हो जाता है, ठीक है, ताकि आप आसानी से उसको ढूंढ सकें, ठीक है। नेक्स्ट टू द नेम, द इंडेक्स गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड द पेज नंबर ऑफ द मैप वेयर द फीचर्स कुड बी फाउंड।
आप आसानी से इंडेक्स पे जाएं, वहाँ पर आप ढूंढें कि आपने क्या सर्च करना है, माउंटेन सर्च करने हैं, वैली सर्च करनी है, या आपने कोई रिवर सर्च करने हैं, आप इंडेक्स पे जाएं, ठीक है। वहाँ पर आपको पेज नंबर दिया जाता है कि इस पेज नंबर पे आप ये चीज़ आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स की मदद से आप क्या करते हैं, आसानी से जो आपको फ़ीचर चाहिए आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप अपनी बुक जब देखें तो बुक पेज नंबर 5 पे आपको एक मैप दिया गया है, ठीक है। अ मैप ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस विद अ की स्केल एंड कंपास डायरेक्शंस। आप उस मैप को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि आप की स्केल और कंपास डायरेक्शंस की मदद से कोई भी एरिया या कोई भी प्लेस या कोई भी एनीथिंग डू यू वांट टू फाइंड, आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ इंडेक्स पेज, ठीक है। जैसे इंडेक्स पेज है, अब अगर आपने कुछ भी देखना है जैसे कवर क्रिएटर देखना है तो आप फ़ौरन से बुक पेज नंबर 6 पे जाएंगे तो आपको फ़ौरन से मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने मैप पे कोई चीज़ फाइंड करनी है, माउंटेन्स या कुछ भी फाइंड करना है, तो आप उसका इंडेक्स देखें बुक के पेज पे, मैप की एटलस के बैक साइड पे इंडेक्स पेज होते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ योर डायरी, सिंपल सी डायरी है आपकी, एक्टिविटी बेस्ड डायरी है, ठीक है। आपने एक रफ पेज पे अपने एरिया का क्या ड्रॉ करना है, एक मैप ड्रॉ करना है, ठीक है, कि आपके घर के पास या आपके जो एरिया है जहाँ, जैसे आप न्यू सिटी फेज 2 में रहते हैं, मॉडल टाउन में रहते हैं, एनीवेयर कहीं भी आप रहते हैं, ठीक है, फेज 1 में रहते हैं, 2 में रहते हैं, मॉडल टाउन, खानाबाद, कहीं भी आप रहते हैं, आपने अपने एरिया का एक मैप बनाना है, ठीक है। और साथ कीज़ बनानी है, जैसे मैंने अभी आपको वो की दिखाई थी ना, साइड पे ट्रीज़ बने हुए हैं, बेंच बना हुआ है, स्लाइड बनी हुई है, सी सॉ बना हुआ है, इसी तरह आपने रफ ड्राइंग में अपने एरिया के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपने लोकेट करने हैं। फॉर एग्जांपल पार्क है, कोई मॉस्क है, कोई मार्केट है, कोई हॉस्पिटल है पास, कोई स्कूल है तो कोई भी ऐसी जो मेन मेन थिंग्स हैं वो आपने 5 या 6 कर लें, ठीक है। आपने एक मैप ड्रॉ करना है अपने एरिया का और इसकी की बनानी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक, अल्लाह हाफिज़।